नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम साउथ उड़ीसा में गोपालपुर में हैं। कल रात में हम यहां पर पहुंचे। ओटीडीसी पंथ निवास में हमने नाइट स्टे किया। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 2688 रूम टैरिफ पड़ा, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अब देखिए, जगह बड़ी इतनी शानदार इस वजह से है क्योंकि सी बीच एकदम बाजू में है। ठंडी ठंडी हवा रात में भी चल रही थी, इस समय हवा तो चल रही है लेकिन मौसम गर्म है। अब यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन ब्रह्मपुर होगा, जो कि आधे घंटे के डिस्टेंस में है। सुना है वहाँ पर फूड में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सी बीच चलते हैं, थोड़ा समय स्पेंड करेंगे। एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे सी बीच है, उसके बाद आगे की जर्नी करेंगे। आज रात को हम ब्रह्मपुर रुकने वाले हैं। लो जी, हम गोपालपुर सी बीच पहुंच गए। सोचो, अभी नवंबर का महीना है, मौसम गर्म है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हो, पानी में एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी मन हो रहा है जूते उतारूं और पानी में थोड़ा सा एंजॉय करें, लेकिन ये किया ना तो हमें 2-3 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा। वाओ! और ये थोड़े थोड़े गैप में कुछ ना कुछ स्ट्रीट फूड मिल रहा है। हमने पूरी में भी सी बीच देखा था, ये भी देखा है। डिफरेंस मेरे को सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है ना, वो इस बात का है कि यहाँ पे एक्टिविटी लेवल कम है। तो अगर आपको शांति पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। लो जी, भैया ने हमारे लिए बढ़िया सा चना मसाला तैयार कर दिया है। आप फोटोग्राफ करते हो? टूरिस्ट फोटोग्राफर, वेरी गुड। ठीक है, गुड। तो चना मसाला खाओ, नारियल पानी पियो, समुद्र में नहाओ। वाह वाह वाह। और शाम को तो बहुत भीड़ होती होगी यहाँ पे। शाम को तो बहुत भीड़ है ना। अभी देखो इतनी तेज धूप में, सुबह के 11:30 बजे और लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो 4-5 बजे तो बहुत लोग होंगे। समुद्र किनारे नारियल पानी पीना हो तो इस तरह से बैठ जाओ और आराम से 10-15 मिनट लगा के पियो, बहुत मजा आता है। और साथ में समुद्र की लहरें देखो, वाह। अभी हम वहाँ पर खड़े थे जहाँ आप स्टॉल्स देख रहे हो ना, 200 मीटर आगे चलकर हम यहाँ आ गए हैं। तो आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स कराते हो? यस सर। जेट स्की जो खड़ी हुई है, इसका क्या चार्ज है? जेट स्की का है 500 रुपीज़ सर, पर हेड का 500 रुपीज़, 5 मिनट का राउंड है सर। अच्छा, मेरा मन तो बड़ा हो रहा है जेट स्की करने का, लेकिन पानी की थोड़ी छींटे पड़ेंगे, गीला हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमको अभी ब्रह्मपुर भी जाना है, उसके लिए लेट हो रहे हैं, 12:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो भाई साहब धन्यवाद इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए। सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक। ठीक, बाय बाय। जैसे ही आप ब्रह्मपुर एंटर करेंगे ना, आप रोड पे देखते जाइएगा, हर 15 या 20 दुकान के बाद आपको एक लस्सी की दुकान जरूर दिखाई देगी। इससे ये समझ में आया मुझको कि यहाँ पर लस्सी बहुत फेमस है। और अभी जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, सामने मेरे को गिरिजा रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखाई दे रहा है और कम से कम 7, 8 या 10 दुकान लस्सी की इसी 50 मीटर के दायरे में है। इन्हीं में से एक दुकान में अभी हम आए हैं। भाई साहब, हमें आप एक लस्सी दीजिए, एक ग्लास। अच्छा, ये आपने पहले से रेडी कर दिया? लस्सी में ऊपर काजू और नारियल। लस्सी तो मैंने आज से पहले बहुत पी है, लेकिन इस टेस्ट में कुछ फ़र्क है। पहला फ़र्क तो रबड़ी का है कि लस्सी में रबड़ी है। दूसरा बात, वो नारियल जो अंदर मिक्स है, तो ये 2-3 चीज़ का मल्टीपल टेस्ट एक ही लस्सी के अंदर आ रहा है। लस्सी पी के शांति आ गई। मैंने जैसे आपको बताया, मौसम गर्म है, धूप तेज़ निकली हुई है। अभी हमारा अगला कार्यक्रम ये है कि अपने को रात को यहाँ पे रहना है, जिसके लिए हमको होटल आइडेंटिफाई करना है। आधा पौना 1 घंटा लगा के होटल आइडेंटिफाई करते हैं, लगेज रखते हैं, फिर घूमने निकलेंगे। चौराहे पर मैंने एक होटल देखा, नंदन इंटरनेशनल। मेरे को यही होटल पसंद आ गया। इनके पास एक 1650 प्लस टैक्स वाला रूम भी था
और एक था 1850 प्लस टैक्स, तो मैंने 1850 प्लस टैक्स वाला रूम ले लिया। मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा, थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम है, नीचे चौराहे भी दिखाई देता है और सामने बड़ी सी पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग भी है। अब 10-15 मिनट रूम में रुकते हैं, थोड़ा अपना लगेज अच्छे से रख देते हैं, फिर हम घूमने निकलते हैं। पहले चल के लंच करेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पीड़ा होटल है, नॉनवेज यहाँ का बहुत फेमस है, अंदर कोई है नहीं। भाई साहब अभी बंद है आज क्या? सोमवार बंद होता है? ओहो, मंडे बंद होता है, तो आज तो मंडे है, तो अब क्या करेंगे सोचना पड़ेगा कि लंच कहाँ खाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ सामने एक स्टॉल दिख रहा है, कुछ खा लेते हैं यहाँ पर, फिर लंच देखते हैं क्या खाएंगे। जब से मैं उड़ीसा आया हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रीट फूड का चलन बहुत है। जगह जगह, हर शहर में, हर टाउन में आपको स्ट्रीट फूड खाने को बहुत सारा मिलेगा। इस समय हम देखिए क्या खा रहे हैं। ये है पत्ता गोभी का पकौड़ा। मेरे को इन्होंने बताया चावल और बेसन दोनों को मिलाकर इसका बैटर तैयार किया जाता है। क्या टेस्ट है, वाओ, वेरी नाइस, ज़बरदस्त क्रिस्पी, और मसालों का क्या फ्लेवर आ रहा है, मज़ा आ गया। ये चटनी जो आप देख रहे हैं ना, ये चना दाल और मिर्च से तैयार की गई है। खटास के लिए इसमें इमली डाली गई है, बहुत ऑसम चटनी का भी टेस्ट है और ये पकौड़े बड़े शानदार हैं। तो थोड़ा सा चटनी लगाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है। जहाँ पर अभी हमने पकोड़ा खाया है ना, उसकी एक तरफ तो म्यूनिसपैलिटी ऑफिस है, उसके सामने थाना। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लंच करने के लिए। हमें किसी ने बोला कि यहाँ पे आप न्यू बिरयानी सेंटर है 1.5 किलोमीटर में, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ की बिरयानी पसंद आएगी। न्यू बिरयानी सेंटर पहुँचकर मैंने अपने लिए बिरयानी का ऑर्डर दिया। जब तक बिरयानी आ रही है तब तक मैंने मंगा लिया अपने लिए चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा टेस्ट के अंदर तो दम है। मैंने ना 2-3 पकौड़े खा लिए हैं, चटनी लगा के मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन बिना चटनी के मेरे को ज़्यादा स्वाद आ रहा है। लो जी बिरयानी आ गई, इसको अब सर्व कर लिया जाए। इस पोर्शन में टोटल चिकन के 3 पीसेज हैं, 2 मैंने डाल लिए और 1 बाद में खाएंगे। अभी मैंने बिरयानी का थोड़ा सा पोर्शन खा लिया है, राइस अच्छी क्वालिटी का जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, बाकी चिकन की कुकिंग भी एकदम परफेक्ट है और सॉफ्ट है और साथ में टेंडर है। मैं एक चिकन के पीस खा चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे को एक चीज़ अच्छी क्या लग रही है बिरयानी में ना, फ्लेवर्स इंटैक्ट हैं। इंटैक्ट का मतलब है अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, जो खड़े मसालों के फ्लेवर होते हैं, लेकिन खड़े मसाले इसमें डाले नहीं गए। तो आम तौर पे वो खड़े मसाले जो दिखते हैं तो फ्लेवर आपको वैसे ही खाते बड़ा मज़ा आता है, तो इसमें इन्होंने मसाले पीस कर डाले हैं, बट वेरी गुड फ्लेवर्स। ये मुझे लग रहा है आउट ऑफ प्लेस है, बिरयानी बिना इसके भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। रायता टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा रायता डाल सकते हैं, लेकिन बिना उसके ही बिरयानी का टेस्ट अच्छा है। चलिए बाकी की बिरयानी फिनिश करते हैं और उसके बाद ब्रह्मपुर घूमने चलते हैं। इस समय शाम के 4 बज चुके हैं, सनसेट मैंने आपको बताया यहाँ पर जल्दी होता है, 5:15 के करीब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर हमने खाना खाया उससे 1 किलोमीटर आगे बड़ा बाजार मार्केट है। अभी हम यहाँ पर आए हैं और इस समय जहाँ हम खड़े हैं बड़ा बाजार मार्केट के आगे नारियल बाजार है। तो वैसे तो ये होलसेल और रिटेल दोनों मार्केट है,
तो यहाँ का भाई साहब पापड़ बड़ा फेमस है ना, तो आप थोड़ा सा दिखाइए, आपके पास तो बहुत सारी वैरायटी है पापड़ में। अच्छा, तो ये चावल और तिल से ये पापड़ को तैयार किया गया है, और ये केवल चावल के पापड़ है, धान को फ्राई करके ये पापड़ तैयार किया जाता है। अच्छा, इसका कीमत कितना, जिसको आपने बताया धान से तैयार करते हैं? 40 रुपया। वाह, सही है। तो आपसे मैं एक पैकेट तो लेना चाहता हूँ, तो ये वाला ले लूँ? ये 40 का मुझे आप एक दे दीजिए, ये मैं आपको 40 रुपये दे रहा हूँ। इस समय हम होलसेल मार्केट में, अगर यहाँ से आगे जाके 200-300 मीटर आगे चले जाएंगे तो रिटेल मार्केट भी आ जाएगी। आम और मिर्ची का अचार 80 रुपया किलो। खटास तो है आम की, लेकिन मिर्ची का तीखापन ज़्यादा है। लो जी, काजू, किशमिश और चेरी का अचार, इस तरह का अचार मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाया। मीठा है, अच्छा खासा मीठा है। मेरे को वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज अचार में जब तक खटास ना हो ना मज़ा नहीं आता। आप जब यहाँ पर आएंगे ब्रह्मपुर, तो अचार एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आई एम श्योर आपको यहाँ पे जितनी अचार की वैरायटी है वो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो सारा जो अचार है आपके पास, सब 80 रुपये से 120 रुपये किलो की रेंज में है। तो जैसे अभी हमने ये वाला अचार खाया, इसकी कीमत है, जिसमें ड्राई फ्रूट है, चेरी है, ये 100 रुपये किलो, और जो अभी आपने ये खिलाया 60 रुपये, यानी 60 रुपये से लेके 120 रुपये किलो की रेंज में सारी अचार की वैरायटी है यहाँ पे। हमारे होटल के पास ही इस समय हम अन्नपूर्णा मार्केट के पास हैं। सामने जो आप बाजार देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मार्केट है, और ये इसको बोलते हैं भापुर बाजार। चैनल सब्सक्राइबर्स हमारे साथ हैं, हमें दिखाने लेके जा रहे हैं लोकल मार्केट। साथ में इन्होंने बोला कि ब्रह्मपुर में अचार की बहुत वैरायटीज़ हैं, तो आज आपने जो नारियल बाज़ार में अचार देखा था, उससे भी ज़्यादा वैरायटी आपको इस बाज़ार में दिखाते हैं। तो चले आओ जी। अलग अलग तरह के अचार हैं आपके पास, इससे आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ पर अचार में कितनी वैरायटी है। यहाँ पर लड्डू में बड़ी सारी वैरायटी है, मूंगफली के लड्डू, तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, और ये क्या है? ये जो है अंदरस का है, पाल खाई। इसमें चावल, क्या होता? चावल और तिल और मिला के, चावल तिल चीनी, चीनी मिला के। ठीक है, एक ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ना मेरे को एक पैकेट खोल कर एक निकाल दो। ठीक है, घी और तिल, बड़ा मैजिकल टेस्ट दे रहा है, क्रिस्प है, थोड़ा सा हार्ड भी है खाने में, लेकिन एक बार आपने बाइट कर लिया ना तो मस्त टेस्ट है। और अंदर मतलब यही 3-4 इंच का बड़ा मधुर टेस्ट है, और घी का हल्का हल्का एहसास। वाह, ग्रीन चिली को दही में डुबा के उसको सुखाया जाता है, फिर उसको समर सीजन में राइस के साथ खाते हैं। सही है, ये हम लोग ये भी ट्राई करेंगे घर जाके, तो ये भी ले लेते हैं। ग्रेट भैया, इसका कीमत क्या, कॉस्ट? 20 रुपीस। तो ये दो आइटम और वो दे दीजिए आप मेरे को। अभी मार्केट घूमते घूमते ना अभी स्टॉल में आए हैं। ये जो सामने आप वाइट सी चीज़ देख रहे हो ना, गोल सर्कल, इसको बोलते हैं पुची छेना। मैंने जो इनसे समझा, दूध में मिल्क पाउडर डालते हैं, मिक्स करते हैं, और उसको स्टीम देते हैं स्टीमर के अंदर। 2 से 2.5 घंटे की स्टीम देने के बाद उसको पहले रेस्ट पे छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको फ्रिज में डाल देते हैं। इस प्रकार से वो जम सा जाता है। अब ये सब इन्होंने भी समझाया, प्लस ये भाई साहब, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया, मीठा चीनी डालते हैं। तो भाई साहब, अभी आप सबको 20-20-30-30 रुपये का दे दो, हम 4 लोग हैं। बहुत सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे हम मक्खन या चीज़ को
कितनी आसानी से ब्रेक कर देते हैं। वाह, बड़ी वाकई कमाल की चीज़ है। खाते सर ना वो मिल्क पाउडर तो फील होता ही होता है, और वो अच्छा बात ये है कि चीनी कम है। चीनी कम, हाँ, वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, और इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में डालते पिघल जाता है। और ऐसा पता भी चलता है कि वो स्टीम से बना है। स्टीम क्या गया है? हाँ, मुझे लगता है इसका जो नियरेस्ट टेस्ट मैच है, मतलब अगर नहीं बताया जाए और कोई खाए तो क्लोजेस्ट मैच छेना ही है। हाँ, मतलब टेस्ट वाइज ऐसा लगता है कि आप छेना को किसी और रूप में खा रहे हो। ऊंची छेना खाने के बाद अभी आधा घंटा हो चुका है ब्रह्मपुर मार्केट घूमते हुए, बस देख रहे हैं चहल पहल मार्केट की, बाज़ार लगा हुआ है, रात के 9:30 का टाइम हो चुका है, फिर भी चहल पहल फुल है। इसका मतलब यहाँ पर रात थोड़ी देर से होती है। अब हम गिरिजा रेस्टोरेंट जाके भी पता लगाया, वो भी आज बंद है क्योंकि आज मंडे है। हम इस समय ऐसे चौराहे पर आ गए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड जॉइंट्स हैं, तो एक बार नज़र मार के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, फिर उसमें से कुछ एक चीज़ खाते हैं। इस जगह जितने स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं सबके पास जा जाके हमने देख लिया सब लोग क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता था। तो मेरे को यहाँ पर दिखा इस शॉप में सामने जो नंबर 3 पे आप देख रहे हैं पसारूनी सूप, तो ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है, ये ट्राई करेंगे यहाँ पर पसारूनी सूप। क्या चीज़ है ये? पसारूनी सूप है क्या? वही पता का सूप है। इसका सूप है? क्या होता है ये? ये सर ये इससे सूप बनता है, जिसको खाने से हमारा अगर मतलब जुकाम हो गया होगा या फिर बॉडी में पेन होगा तो इसको खाने से वो रिलीफ हो जाता है। अच्छा, इसका आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है। वाओ, तो दे दो हम सबको आप एक एक। लो जी पसारूनी सूप आ गया है, ऊपर इन्होंने काली मिर्च डाली और साथ में चम्मच दे दिया इसको मिक्स करने के लिए। मिक्स करते हैं और पीते हैं। सच बताऊं आमतौर पे सूप के अंदर ना हम कुछ स्वाद ढूंढते हैं जिससे अपने को खाना खाने में और मजा आए, लेकिन इस सूप को पीते पीते ना मेरे को थोड़ा थोड़ा लगा मैं कोई दवाई पी रहा हूँ। अच्छा। मतलब वैसे तो कुछ इसमें गलत नहीं है। हाँ। क्योंकि एक तरह से आयुर्वेदिक दवाई है। हाँ। मेरे को आज दोपहर से हल्का हल्का जुकाम जैसा लग रहा था, तो मुझे लग रहा है ये मेरे को फायदा देगा, और काली मिर्च डालने से स्वाद अच्छा हो गया। और अदरवाइज थोड़ा थोड़ा कड़वा है, ज़्यादा नहीं है, मामूली कड़वा है। कुछ कुछ लोग इसको राइस के साथ ऐसे डाल, जैसे डाल का एक सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, चावल के साथ भी? हाँ, खाते हैं। वाओ, स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के बाद हमने सब्सक्राइबर्स को बाय और थैंक्स किया और अपनी बहरमपुर की आज की जर्नी एंड करी। मंडे होने की वजह से हमने काफी सारी नॉनवेज फूड अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हमने बहरमपुर का फेमस नाश्ता किया, इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव। बहरमपुर सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर हैंडलूम का बहुत काम होता है। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अगला एपिसोड, नया सफर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।